जय श्री महाकाल ग्रुप द्वारा सर जो आज का आयोजन किया गया है और साथ ही जो सोशल साथी के माध्यम से क्या सर कहना चाहिए और आपका भी सपोर्ट है पूरा। देखिए जय श्री महाकाल ग्रुप मुकेश भंडारी और उनके सभी साथियों ने मिलकर ये काम शुरू किया है। वैसे ये ग्रुप बहुत जूना बाबा अमरनाथ ग्रुप के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन कोविड के दरमियान कुछ काम बंद पड़ा, फिर वो दो साल हुआ ही नहीं, अब फिर एक बार इसको नया नाम देकर उन्होंने शुरू किया और आज आप लोगों ने देखा है कि दिव्यांग जो लोग हैं उनका सम्मान किया, उनको कुछ जनादेश भी उन्होंने दिया और जो माताओं ने जो भावना व्यक्त की और हम लोग देखने के बाद में भी महसूस करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमने काम के आवेश में हम लोग समाज को क्या परेशानी है वो कभी कभी पता नहीं चलता, लेकिन वो बहनों ने जो बताया उनकी बताई और हमने उनको आश्वासन दिया हम लोग उनके ऊपर काम करेंगे आने वाले दिनों में। और ये ग्रुप की एक बहुत बड़ी क्षमता है सारे लोगों को साथ में मिलकर आगे का काम करने का इनका सुझाव रहा है। और निश्चित रूप मेरा जो इतना लंबा राजनीतिक सफर में मुझे जो सफलता मिली वो इन जैसे लोगों की वजह से मिली, मतलब जितना सफलता मुझे मिली और जो आसानी से काम बहुत बड़े बड़े काम मैं कर पाया तो मेरे बलबूते पे मैंने प्रामाणिकता का परिचय दिया, मैंने परिश्रम बहुत किया, मैंने अपने आप को झोंक दिया समाज के काम के लिए, लेकिन इतने से ही होता नहीं तो आपको पीछे एक मैन पावर की भी आवश्यकता होती है, मनी पावर की भी आवश्यकता होती है। बेदाग राजनीतिक जीवन अगर मैं जी पाया तो मेरे पीछे ऐसे सारे सक्षम लोग थे, मुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी और आज उन्होंने एक नई भावना भी व्यक्त की बोलने के बारे में चिंता उन्होंने जताया। मैंने कहा कि कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पीयूष गोयल जी हमारे एक सक्षम मंत्री के रूप में सांसद यहाँ पर आए हैं, हमारे सारे विधायक और सारे पार्षद मिलकर हम काम करते रहेंगे। इसे मैंने उनको कहा कि मेरा जो लड़ने का स्वभाव है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं अपनों से लड़ता हूँ और अपनों से लड़ता हूँ और लड़ लड़ पर मैंने जो काम खड़ा किया है अरे कुछ लोग कहने लगेंगे गोपाल जी कड़क थे लेकिन अभी थोड़ा सा जो ढिलाई उनको लगता है कि आया है। देखिए माँ बाप जिनके घर में बहुत ठीक रहते हैं, जो स्कूल में अच्छे टीचर होते हैं, स्कूल के बच्चे पढ़कर आगे बढ़ते हैं, ऐसा मैं ठीक रहा क्योंकि मेरी जवाबदारी थी उसको मैंने निभाया, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने उत्तर मुंबई में बोरेली में बहुत ही अच्छा अच्छे अच्छे प्रकल्प को निर्माण कर पाया, बोरेली के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बखूबी हमने मेंटेन करने का प्रयास किया और ये परंपरा हम आने वाले दिनों में भी कायम रखने का प्रयास करेंगे। देखिए काम करने के लिए कोई पद प्रतिष्ठा और पैसा आपके पास होना ही चाहिए, ऐसा कोई मैं कभी मानता नहीं हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने तो बिगर पद से देश को आजादी दिलाई और किससे आजादी दिलाई, ब्रिटिश लोग बंदूक की गोली से बात करते थे, ऐसे समय पर महात्मा गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई और आज हमारा देश तो बहुत सक्षम है, बहुत आगे बढ़ चुका है, ऐसे समय पर काम करने के लिए आपके पास पद होना ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन पद का भी एक अपना महत्व होता है, उसकी गरिमा होती है, उसकी गरिमा होती है। बोरीवली की जनता चाह रही है कि गोपाल शेट्टी जी यहाँ पर आए, उनकी पुकार है। देखिए अगर बोरीवली की जनता चाहती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जनता जनार्दन ये भगवान का रूप होता है ना, और आप क्या है वो अच्छा काम करते हैं उसको भगवान के रूप में लोग देखते हैं, अगर लोगों की इच्छा ये है तो कुछ लोगों की जो इच्छा होगी उसमें हमने क्यों बहुत चिंता करने की आवश्यकता है, मुझे जो भी आदेश होगा पार्टी के माध्यम से और जनता के माध्यम से मैं बहुत खुलकर बताना चाहूंगा, पार्टी के माध्यम से आदेश आ गया तो उसका पालन करूंगा, जनता के माध्यम से कोई आदेश आ गया तो उसका भी पालन करूंगा, ठीक है। नहीं देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत देश में ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, ये हमने मानना कोई उचित नहीं होगा सिर्फ हम ही करते हैं करके, और मैंने आज ही नहीं तो इसके पहले भी बहुत सारे भाषण में बहुत सारा बार कहा है, देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या तो जो हमारा एक जो ढांचा बना हुआ है उसके माध्यम से 50% काम होता है, ऐसा मेरा मानना है, ये 60 भी हो सकता है 40 भी हो सकता है, लेकिन 50% काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से होता है, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से होता है। अभी अंबानी जी ने 16 करोड़ रुपए
लालबाग के राजा को दिया और उसके अलावा भी बहुत कुछ दिया है। ऐसा करोड़ों रुपये का दान इस देश के जो धनवान लोग देते रहते हैं और उसके माध्यम से काम होता है। कभी आप सर्वे करेंगे तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और स्टेट गवर्नमेंट का बजट और कॉरपोरेशन का बजट, इसको आप एकत्रित करिए और प्राइवेट सेक्टर में से जो पैसे खर्चा होता है या किया जाता है उसको आप इकट्ठा करेंगे तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का पलड़ा भारी रहेगा। इतने बड़े पैमाने पर लोग करते हैं। मैं कहूँगा कि बाकी तो सारे विघ्नों को बापा अपने साथ में लेके जाएंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल विघ्न महाराष्ट्र में जो देखने के लिए मिलता है उसको अगर बापा ले जाते तो महाराष्ट्र के लोग सुखी और संपन्न हो जाएंगे। ये हमारा भामापुर श्री महाकाल ग्रुप है और ये में हमारे सब पूरे लोग है। दो तीन साल से जो करना आया था इसमें हम लोग को बल किया, जिला प्रांत में नया नाम से ग्रुप लग गया और यही खेला और यही काम हम लोग आगे करने वाले वहाँ पर आज पांच टीका दो सौ मदद की गई मंडल के माध्यम से आर्थिक मदद दी गई है। हर एक व्यक्ति को 5,000 का धनाजय दिया गया और उनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर। और जो हमारे ग्रुप के उच्च शिक्षित लोग है, जो पढ़े लिखे हैं बच्चे लोग, उनको यहाँ पे सम्मानित किया है। वो वैसे 13 लोग है, उन 13 लोगों को हमने लड़की लड़कों का सम्मान किया, जो वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऐसे सभी लोगों का हमने सम्मान किया जो हमारे ग्रुप के बच्चे लोग। सर पूरे खालसा साहब भी आए थे, कर्मी साहब भी आए थे, क्या कहना है? आजाद साहब का सहयोग तो 20 साल से यहाँ पर जो बाबा हमारा ग्रुप सेवा करते उस टाइम से और उसी टाइम से कर्नल साहब या ब्रिगेडियर या कैप्टन रहे कोई भी जो देश के लिए काम करते हैं उनको हम यहाँ पे बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं।